झारखंड में बीजेपी को मिशन 65 प्लस से रोकने के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी से ही गांठ पड़ना शुरू हो गई। ताजा मामला मनिका विधानसभा सीट को लेकर है। सीट पर कांग्रेस और आरजेडी ने दावा ठोक दिया है। दरअसल आरजेडी के पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस मनिका को लेकर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चली है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने कांग्रेस पर आरजेडी के नेताओं को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया है। रामचंद्र सिंह मनिका सीट से आरजेडी के टिकट पर दो बार चुनाव जीत चुके हैं। हम लोग शुरू से ही मनिका हम लोग लड़े हैं और आज भी हम लोग लड़ेंगे। जब पहले ही ये लोग मसौदा तय कर चुके हैं कि जहाँ सीटिंग है वो गेटिंग हो गया, 32 सीट चयन हो गया, और जहाँ जहाँ सेकंड जिनका जिनका है वो लोग चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के पहले अगर किसी को तोड़ करके या चाहते हैं कि हम सीट को बढ़ा लें तो उस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल झुकने वाली नहीं है।